तो दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और आपको बहुत ही ज्यादा अजीब फील आती है इस मूवी को देखकर। लेकिन ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी में से एक है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 स्टार्स है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम सीजर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयर टेकर था। वो एक काफी सैड पर्सनालिटी वाला बंदा था जिसे बस हमेशा ऐसा लगता था कि उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है और उसके साथ जो कुछ अच्छा भी होता है उससे वो कभी खुश नहीं रहता था। सीजर को दूसरों को दुखी देखकर काफी अच्छा फील होता था और दूसरों को खुश देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता था। वो हमेशा ऐसे काम करता था जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे। अब हम सीजर को एक बेड से उठकर पूरी तरह से तैयार होकर एक रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। ये रूम किसका था और वो किसके साथ सोया हुआ था ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हम सीजर को अपने काम पर जाते हुए देख पाते हैं जहाँ पर वो बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को अटेंड कर रहा होता है। साथ ही साथ वो कुछ छोटे मोटे काम भी संभाल रहा था। अब दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था। उस लड़की का नाम क्लेरा होता है। सीजर असल में यहाँ क्लेरा को बेहोश करके रात के समय उसके कमरे में आ जाता था और पूरी रात उसी के साथ सोया करता था, जिसके बाद सुबह जल्दी उठकर वो उस रूम से बाहर निकल जाया करता था। सीजर बिल्डिंग का केयर टेकर था इसीलिए उसके पास हर रूम की चाबी होती थी और इसी तरह से वो हर एक दिन गुजारा करता था, या फिर ये कहें कि हर रात गुजारा करता था। खैर अब सीजर का ये सच बिल्डिंग में रह रही एक छोटी सी लड़की आर्सेला जान जाती है, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करके अपने लिए पैसे और खाने की चीजें मंगवाया करती थी जो कि ना चाहते हुए भी सीजर को उसे लाकर देना पड़ता था। अब जब क्लेरा अपने काम के लिए जा रही होती है तो वो जाने से पहले सीजर से थोड़ी बातें करती है। अब क्लेरा का मूड हर वक्त अच्छा ही होता था जिसकी वजह से वो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन ये चीज सीजर को पसंद नहीं आती थी। अगले सीन में सीजर हॉस्पिटल के अंदर अपनी माँ से मिलने जाता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ऑलमोस्ट हर समय खराब ही रहती थी जिस वजह से उन्हें हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। सीजर यहाँ पर कभी कभी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल चला जाया करता था। अब जब वो अपनी मॉम से मिलता है तब वो उनको बताता है कि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता, खास तौर पर क्लेरा को, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, जिसे सुनकर उसकी मॉम काफी दुखी हो जाती हैं। यानी कि उसकी माँ भी अपने बेटे के इस पागलपन के बारे में पहले से जानती थी और यहाँ पर सीजर हमें काइंड ऑफ एक साइकोपैथ लग रहा था। एनीवेज अब सीजर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वहाँ का मैनेजर उसको लेट आने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करती थी और वो सीजर को अपने डॉग्स को एक रात संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिस पर वो मान जाता है। अब रात होते ही सीजर उस लेडी के रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे उन डॉग्स का ध्यान रखना था। अब वो रूम के अंदर जाकर डॉग्स को डॉग फूड दे देता है, लेकिन जो पाए उस लेडी ने सीजर को खाने के लिए रखा था उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो जानबूझकर डॉगी को काट कर दे देता है जिसको खाकर वो डॉग बीमार पड़ जाए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बंदा एक साइको है और ये डॉग्स को भी खुश नहीं देखना चाहता था, उनको दुखी और परेशान देखकर ही उसे खुशी मिलती थी। अब थोड़े ही समय के बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो कि अपने काम से घर लौट रही थी और कुछ समय के लिए वो बेड पर रेस्ट करने लगती है, लेकिन उस बेड के जस्ट नीचे हम सीजर को भी देख पाते हैं जो कि वहीं पर छुपा हुआ था। अब क्लेरा के सो जाने के बाद सीजर बेड से निकलता है और क्लेरा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो क्लेरा के बाथरूम में जाकर उसकी हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर एक हार्मफुल केमिकल मिला देता है और एंड में क्लेरा के पास जाकर सो जाता है। अब पूरी रात उसी कमरे में क्लेरा के साथ बिताने के बाद वो सुबह अपने सारे काम निपटाकर तैयार होकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जाते हुए वो क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भी देख लेता है। अब जैसे वो उस कमरे से बाहर निकल रहा होता है तभी उसे आर्सेला देख लेती है। इस पर वो उसे ब्लैकमेल करके अपने लिए एडल्ट मूवी मंगवाती है जिस पर सीजर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अब जैसे ही नॉर्मल डे शुरू होता है हम उस लेडी को अपने डॉग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हुए देखते हैं क्योंकि उसके डॉग्स को डायरिया हो गया था जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीजर के उसे पाई देने की वजह से हुआ होगा। अब जाते हुए सीजर उस लेडी से बात करने लगता है जहाँ पर वो कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि उस लेडी को काफी दुख होता है, जिससे कि सीजर को मानो एक अलग तरह का सुख प्राप्त होता है। इसके बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो सुबह उठकर
सीजर तैयार होते समय वो सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा रही थी जिसमें सीजर ने हार्मफुल केमिकल मिलाए थे, लेकिन उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। अब जब क्लेरा ऑफिस के लिए निकल रही थी तो वो कुछ देर के लिए सीजर से भी बातें करती है और पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान वो काफी खुश रहती है, लेकिन ये बात ऑब्वियसली सीजर को काफी गुस्सा दिला देती है। अब जैसे ही क्लेरा वहां से निकल जाती है तो उसके कुछ ही देर के बाद सीजर से मिलने आर्सेला आती है, जहां पर वो उसको एडल्ट मूवी दे देता है और जाते हुए आर्सेला सीजर को बोलती है कि अब से वो 60 यूरोज की जगह उसका सच छुपाने के लिए 100 यूरोज लेगी। खैर अब अगले सीन में सीजर को बिल्डिंग में रहने वाला एक सीनियर सिटीजन आदमी बहुत चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने सीजर को अपने पौधों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसके सारे पौधे सूख गए। अब अगले सीन में सीजर हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि क्लेरा अभी भी बहुत खुश है लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, जिसको सुनकर उसकी मॉम काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद में सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को ये बताता है कि बिल्डिंग की ऑफिस की कंडीशन काफी खराब है जिसकी वजह से काफी सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। इस चीज के लिए वो औरत अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है और ऑफिस को जल्दी से जल्दी साफ करने का वादा करती है। अब शाम होते ही सीजर क्लेरा के घर में चला जाता है और उसकी मॉम की वॉच को एसिड में डालकर खराब कर देता है ताकि ये देखकर क्लेरा दुखी हो जाए, जिसके बाद वो फिर से जाकर क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है और उस रात भी वो अपने सेम हरकतों को रिपीट करता है। अब अगली सुबह क्लेरा जब उठती है तब उसे अपने चेहरे पर हल्की हल्की रैशेस नजर आती हैं और जब वो जॉब के लिए जा रही होती है तो सीजर उसके रैशेस को उसे रिमाइंड कराते हुए बोलता है कि तुम पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सोचकर कि क्लेरा इस बात से दुखी हो जाएगी। फिर भी क्लेरा बिल्कुल हैप्पी मूड में ही वहां से निकल जाती है, जिसको देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब जब क्लेरा शाम को घर आती है तो वो रियलाइज करती है कि उसके रैसेस काफी बढ़ गए हैं, लेकिन सीजर यहां भी नहीं रुकता। वो लगभग एक हफ्ते तक क्लेरा की ब्यूटी प्रोडक्ट में काफी सारे डेंजरस केमिकल्स मिलाता जा रहा था जिससे उसके रैसेस की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। और इसी दौरान सीजर कुछ लेटर लिखकर क्लेरा को भेजता है जिससे वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। अब ये बातें सीजर अपनी मॉम को भी बताता है और उन्हें भी काफी दुखी कर देता है। अब क्लेरा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जहां पर उसे पूरे दिन थकान महसूस हुआ करता था, साथ ही साथ उसका चेहरा भी खराब होता जा रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसका चेहरा अपने आप ठीक होने लगता है। एक दिन अचानक से उसे अपने घर में ढेर सारे कॉकरोचेस और कीड़े दिखते हैं जिनसे डरकर वो सीजर से हेल्प मांगने लगती है। अब प्रोबेबली ये चीज भी सीजर ने ही क्लेरा को परेशान करने के लिए किया होगा, जिसके बाद हम सीजर को क्लेरा के घर में देखते हैं, जहां पर वो क्लेरा के कुछ कपड़े और नेसेसरी आइटम को उसे लाकर देता है ताकि वो अपने ऑफिस चली जाए। जाते हुए क्लेरा सीजर को अपने रूम को क्लीन करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर आर्सेला आ जाती है और वो सीजर को ऐसा लुक देती है जैसे उसे इस चीज का आइडिया था कि ये सब उसी का किया धरा है। अब लिफ्ट में सीजर क्लेरा से उन मैसेजेस के बारे में पूछता है जो कि उसे एक रैंडम पर्सन भेज रहा था, जिससे कि क्लेरा थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब यहाँ पर क्लेरा को हल्का सा सीजर के ऊपर भी शक हो जाता है। वो कहती है कि वो इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी है और वो जो भी मैसेज भेज रहा है वो इसी बिल्डिंग का है और वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अब सीजर हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहां पर वो उनको बताता है कि वो क्लेरा के साथ काफी लाइट पेश आ रहा था लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, जिसके बाद सीजर घर लौट आता है और क्लेरा के रूम को खाली करके वहां पर पेस्टिसाइड डालने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बिल्डिंग का मैनेजर आ जाता है जो कि उसे हिंट देता है कि जल्दी ही उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट सीन में कुछ ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर आते हैं, वो इस चीज का पता लगाने के लिए आए थे कि क्लेरा को कौन मैसेजेस भेजता है और उनका पहला शक ही सीजर पर चला जाता है क्योंकि उसके पास हर रूम की एक चाबी थी। लेकिन सीजर ऑफिसर से कहता है कि ये मैसेजेस जो रूम को साफ करने वाले माँ बेटे हैं उनका बेटा भेज सकता है और एंड में सीजर के बनाए हुए सिनेरियो समहाउ ऐसे वर्क करते हैं कि ऑफिसर्स उन दोनों माँ बेटे को ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। खैर अब वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस स्टेप क्लेरा के लिए उठाने वाला था और उसका पूरा इंटेंशन क्लेरा को जान से मारने का था, इसीलिए वो नाइफ लेकर क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन उस रात होता यह है कि क्लेरा काफी लेट
आती है और वो आज अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आई थी, जिसके बाद दोनों ही बेड पर इंटीमेट होने लगते हैं और सीजर बेड के नीचे ही होता है। अब होता यह है कि जो क्लोरोफॉर्म वो क्लेरा के लिए लेकर आया था वो उसके मुंह पर ही गिर जाता है, जिसके बाद वो समहाउ उन दोनों की नजरों से बचते हुए उस रूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के दरवाजे को खोलने लगता है तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह हम सीजर को बाथरूम में देखते हैं, यानी कि बेहोश होने से पहले सीजर समहाउ बाथटब में चला गया था और उसके जस्ट सामने ही कर्टन्स के आगे क्लेरा ब्रश कर रही होती है, यानी कि अब सीजर का यहाँ से बच पाना थोड़ा मुश्किल था। अब उसका जो बैग होता है वो भी क्लेरा के रूम में ही था और क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड ये सोचने लगते हैं कि ये बैग आखिर किसका है। अब समहाउ वो दोनों की नजरों से बचते हुए अपने आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें उठाकर उस रूम से भागने लगता है, लेकिन तभी क्लेरा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर क्लेरा आ जाती है और सीजर कहता है कि कल पेस्टिसाइड्स मारते हुए उसका कुछ सामान यहाँ पर छूट गया था जिसको कि वो लेने आया था, जिसके बाद क्लेरा उसे वो बैग दे देती है और सीजर उसको सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अब जैसे ही वो काम पर पहुंचता है उसका मैनेजर और वही बूढ़ा आदमी उसको रोक लेते हैं और उसको एक लेटर देकर कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 15 दिन बचे हैं, तुम जॉब छोड़ दो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसको वही डॉग वाली लेडी मिलने आती है जो कि उसे कहती है कि हम लोग आपको काफी मिस करेंगे, लेकिन इस पर रिप्लाई में सीजर उसको कहता है कि आप वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हैं, आपका कोई भी पार्टनर नहीं है जो कि आपसे बातें कर सके, यहाँ के नेबर्स भी किसी से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। ऐसी बातें कहकर सीजर उस लेडी को बहुत ही दुखी कर देता है, जिसके बाद वो लेडी काफी ज्यादा सैड होकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है और सीजर पीछे खड़ा होकर ये सारी चीजें देख रहा होता है जिससे कि उसे काफी खुशी मिल रही थी। तभी वहां से क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं और जाते हुए वो सीजर को बताती है कि वो लोग वीकेंड पर जा रहे हैं। क्लेरा उस वक्त काफी खुश थी, इसको देखकर सीजर काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन साथ ही वो काफी दुखी भी था कि उसके इतने अटेंड करने के बाद भी क्लेरा दुखी नहीं हो रही थी। अब सीजर का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो फाइनली खुद को मारने का फैसला करता है और वो बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है सुसाइड करने के लिए, लेकिन तभी वो क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड को वापस से बिल्डिंग में लौटते हुए देख लेता है और वो सुसाइड करने का फैसला रोक लेता है। अब सीजर और हमको पता चलता है कि क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लेरा प्रेग्नेंट थी, जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था और इसी चीज की वजह से दोनों में झगड़ा हुआ था। अब जब दोनों कमरे में सो जाते हैं तब सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पूरा नेकेड होकर क्लेरा के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे हमें इस बात का आइडिया तो हो जाता है कि क्लेरा असल में सीजर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। अब अगली सुबह सीजर से क्लेरा का बॉयफ्रेंड मिलने आता है जो कि रूम में कुछ काम बताकर सीजर को रूम के अंदर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता है उसे इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि क्लेरा के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल चुका है कि वो क्लेरा के साथ क्या क्या करता है, जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। लेकिन इसी बीच सीजर एक नुकीली चीज से क्लेरा के बॉयफ्रेंड के गले पर स्टैब कर देता है जिससे उसका काफी सारा खून बहने लगता है। सीजर उसको घसीट कर वहां के बाथटब में डाल देता है, जिसके बाद उसने जिस चीज से क्लेरा के बॉयफ्रेंड को मारा था वो उसको उसी के हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद की जान ली है और पूरे रूम को ठीक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। खैर अगले दिन क्लेरा के बॉयफ्रेंड की डेथ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी सारे ऑफिसर्स आते हैं और वो सीजर को भी बुलाते हैं। वो यहाँ पर ये कहकर बचने की कोशिश करता है कि अब वो इस बिल्डिंग में सर्विस नहीं करता, लेकिन फिर भी उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मतलब चालाकी देख रहे हो बंदे की कि 15 दिन के नोटिस पीरियड को भी वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा था। अब इसी दौरान सीजर को ये बात पता चल जाती है कि उसका सच आर्सेला को फिर से पता चल चुका है, इसीलिए रात के वक्त वो उसके घर में जाकर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके आर्सेला को धमकाते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो कहाँ स्कूल जाती है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं और भी बहुत कुछ। वो कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए आर्सेला को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन ऑफिसर फिर से सीजर के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि क्लेरा के घर के सामने आर्सेला नाम की एक बच्ची रहती है और क्लेरा के घर में जो कुछ भी हुआ होगा शायद आर्सेला को उसके बारे में कुछ पता हो, तो उन्हें उससे पूछताछ जरूर करनी चाहिए। जिस पर ऑफिसर आर्सेला से पूछताछ तो करते हैं, लेकिन आर्सेला इतनी डरी हुई थी कि वो ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताती।
अब लास्ट में क्लेरा की मॉम क्लेरा को अपने साथ अपने घर लेके जाती है और जाते हुए भी सीजर क्लेरा को और भी ज्यादा दुखी करने वाले बातें करता है। और यहाँ पर फाइनली हम क्लेरा को हद से ज्यादा दुख में देख पाते हैं, यानी कि सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसको इस बात से खुशी भी होती है। अब हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेरा के हाथ में एक बेबी था और वो सीजर का ही बच्चा था, जिसका क्लेरा को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि शायद से प्रोटेक्शन फेल हो गया था और वो उसके बॉयफ्रेंड का ही बच्चा था। खैर, अब सीजर क्लेरा को एक लेटर लिखकर भेजता है जिसके अंदर वो क्लेरा को वो सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ करी थी और ये बच्चा उसका ही है। ये बात जब क्लेरा को पता चलती है तो वो बच्चे को पकड़कर रोने लगती है क्योंकि इसमें उस बच्चे की कोई भी गलती नहीं थी, यानी कि अब वो बच्चा क्लेरा को हमेशा याद दिलाएगा कि उसकी जिंदगी की ऐसी हालत सीजर की वजह से हुई है और वो हमेशा अब दुख में ही रहेगी और सीजर यहाँ पर हमेशा खुश रहेगा क्योंकि उसको यही तो चाहिए था। औरों को दुखी देखना ही उसकी जिंदगी का असली मोटिव था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी स्लीप टाइट की कहानी। मूवी वाकई में बहुत क्रीपी है, मतलब सोच कर देखो कि एक लड़की की जिंदगी हद से ज्यादा खराब हो गई, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो खुश रहा करती थी। ये इंसान इतना बड़ा साइकोपैथ था जिसे दूसरों को दुखी देखकर ही खुशी मिलती थी। उसने मर्डर किया, छोटी सी बच्ची को धमकाया, एक लड़की की जिंदगी खराब की और उसका रेप भी किया। मतलब उसने सारे घिनौने काम किए थे, इतने गंदे काम करने के बावजूद भी अब वो सारी जिंदगी चैन से जी पाएगा। मे बी इस मूवी की एंडिंग कई सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट डायरेक्टर ने इसे ऐसा ही छोड़ा ताकि हम अटकलें लगा सके और इस बात पर अपने नए नए थियरीज बना सके। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको इस मूवी की एंडिंग कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।